अपने इलाके से खास वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक कीजिए। चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के परौंधा गांव के मजरा में जामुनडाड़ में मामला आया है कि 27 तारीख की रात में यहां पे मारपीट हुई है लोगों के साथ। लोगों का कहना है कि यहां पे कांग्रेस प्रत्याशी ने आकर अपने प्रचारक के साथ यहां पे बसपा के लोगों के साथ मारपीट करी है। दो लोगों को लेके भी गए हैं जिनका अभी तक कोई पता नहीं है कि वो पुलिस कस्टडी में है या निरांशु जी के घर में है। और यहाँ के गांव वालों का कहना है कि यहाँ पे कांग्रेस में का हमेशा राज रहा है, इसलिए कांग्रेस प्रत्याशी हमेशा हम पे दबाव बनाते रहे हैं, बसपा को पीड़ित करते रहे हैं, झूठा आरोप लगाकर कि पैसे बांटने का, शराब बांटने का हमें परेशान किया, यहाँ पे आके मारपीट की। इससे जो वोटिंग की रफ्तार है काफी कम हो गई है, वोट में बहुत ज्यादा दिक्कतें आई हैं, बहुत कम लोग वोट डाल पाए हैं क्योंकि दहशत का अभी भी जिस तरह से अफवाह उड़ रही है कि आप रात में शराब बांट रहे थे, पैसे बांट रहे थे, इसलिए कांग्रेस वालों ने यहाँ पे हमला बोला था। तो क्या नहीं उठता है, अगर हम शराब और पैसा बांटते तो फील्ड में न बांटते, कार्यालय में हमला करने का क्या मतलब था? कांग्रेस वालों ने अपना पैसा और शराब बांटने के लिए हमारे कार्यालय में हमला करवाए जिससे हम लोग जाकर के एकत्रित हो जाएं, पूरा फील्ड छोड़ दें और उसके बाद वो लोग जाकर के वास्तव में पैसा। क्या होता आपके साथ? हमारे साथ यहाँ घर में घुस के मारे कांग्रेस वाले आदमी। तो आपने कैसे पहचाना कि कांग्रेस के आदमी है जब मार रहे थे? तो हम लोग बैठे थे, आए निलांशु चतुर्वेदी, उनके साथ 10-20 गुंडे थे, वो भी असलाह के साथ थे, लाठी डंडा सब कुछ लिए थे, बस पकड़ के मारना चालू कर दिए। बोला यहाँ राजनीति कर रहे हो नंजतियो, हम 72,000 हैं, हम चुनाव निकाल रहे हैं, ऐसा बोल रहे थे। तो यहाँ कितने दलित घर हैं? 300। मतलब जब से चुनाव शुरू हुए हैं कई न्यूज में खबरें जो व्हाट्सएप ग्रुप लोगों के होते हैं, बहुत सारी खबरें ऐसी आई जो आपके अपोजिट थी, कहीं पैसा पकड़ा गया या कहीं आपने मारपीट करी इस तरह की, तो आप उसमें क्या कहना चाहेंगे? तो जो सामने वाली पार्टियां हैं उनकी हताशा है और कुछ भी नहीं। व्हाट्सएप में और इन चीजों में फेक न्यूज डाल के ये जाहिर करती है कि शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी का पतन शुरू हो गया है। 6-8 महीने पहले जो उपचुनाव हुआ था वो यहीं से शुरुआत हो गई थी। चित्रकूट भगवान राम की भूमि है और यहाँ हमेशा सत्य की विजय होती है। यहाँ राजनीति का कोई शॉर्टकट नहीं है, यहाँ तो सीधा हिसाब है, लोगों की सेवा करो और राजनीति करो। न्यूज चली व्हाट्सएप ग्रुप में सोशल मीडिया के द्वारा कि आपके आदमियों ने बरौंधा गांव में बसपा के लोगों से मारपीट करी है। ये सब फेक न्यूज, आप खुद ही बोल रहे हो फेक है, तो उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ? आपको खुद ही पता है कि फेक न्यूज है, तो स्वाभाविक है वो फेक न्यूज ही होगी। हाँ, ये जरूर है कि कुछ लोग जो है रात में जो आदिवासियों के गांव थे वो 10-15 लोग मुंह बांध के और डकैतों का रूप धारण करके लोगों के पास जा रहे थे, तो हो सकता है उन लोगों के कुछ ऐसी फेक न्यूज इन लोगों ने चलाई हो, उसी को हम लोग देखने सुनेंगे।